तो आज डिस्कस करेंगे आईडी फैन के बारे में। आईडी फैन क्या होता है, कैसे काम करता है और इसका आईडी फैन का स्पेसिफिकेशन क्या होता है। तो चलिए, आईडी फैन का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन। ठीक है, आईडी फैन बॉयलर में दो लगाया जाता है क्योंकि जब किसी कारणवश कोई एक आईडी फैन बंद हो गया या फिर कुछ खराबी आ गई तो उस कंडीशन में जो स्टैंड बाई में आईडी फैन रहता है उसे लाइनअप किया जाता है और जो आईडी फैन बंद हो गई है उसे मेंटेनेंस में भेजा जाता है। बॉयलर में आईडी फैन इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन का जो लोकेशन होता है वो होता है ईएसपी के आउटलेट और चिमनी दोनों के बीच में ये लगा होता है। यहाँ पे फ्लू गैस का टेम्परेचर कम होता है। ठीक है, आईडी फैन के दोनों तरफ, जो आईडी फैन है इसके दोनों तरफ डैम्पर लगे होते हैं, इनलेट और आउटलेट में डैम्पर लगे होते हैं जो न्यूमेटिकली ऑपरेटेड रेगुलेटिंग पावर सिलेंडर्स जो होता है वो एक्चुएटेड डैम्पर होता है जो फ्लू गैस के जो फ्लो को कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है। यहाँ पे आईडी फैन जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है वो पार्शियली वैक्यूम क्रिएट करता है जिसके कारण से बॉयलर फर्नेस के अंदर या फिर इकोनोमाइजर या फिर एयर हीटर के अंदर से जो एयर है उसको ये खींचने का काम करता है, सक कर लेता है, जिसके कारण से क्या होता है इस सिस्टम के अंदर जो प्रेशर होता है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होता है। इसी वजह से जो पार्शियली जो वैक्यूम होता है वो के कारण जो एटमॉस्फेरिक एयर को ये फर्नेस के अंदर ये फ्यूल कंजप्शन के लिए ये इंड्यूस कराया जाता है। बेसिकली जो आईडी फैन का जो काम है वो नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करना है बॉयलर के अंदर और बॉयलर फर्नेस के अंदर जो फ्लू गैस फ्लू जो फ्यूल बर्न हो रहा है उससे जो गैस बन रहा है उस जो गैस बनती है उसे खींच कर वो चिमनी के द्वारा वो एटमॉस्फेयर में वो भेज दिया जाता है। ठीक है, ये चिमनी जो होती है वो आरसीसी चिमनी होती है और यहाँ जो भी ड्राफ्ट बनता है वो जो हॉट गैस होता है उसके टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, इसीलिए जो गैसों को बहुत ही कम टेम्परेचर पर यहाँ से डिस्चार्ज किया जाता है। लेकिन जो भी फ्लू गैस यहाँ से डिस्चार्ज होगा उसका जो टेम्परेचर वो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर से अधिक होना चाहिए। देखिए, आईडी फैन का अरेंजमेंट इस तरह से होता है, ये है नॉन ड्राइव एंड, जिसे शॉर्ट में एनडीई कहते हैं। ये बेयरिंग जो होता है वो एंटी फ्रिक्शन बेयरिंग होता है और इसमें लुब्रिकेशन के लिए ऑयल को डाला जाता है। ये ड्राइव एंड बेयरिंग होता है जिसे शॉर्ट में डीई कहते हैं। ये कपलिंग है जिससे फ्लेक्सिबल कपलिंग होती है और ये है इलेक्ट्रिक मोटर जो कपलिंग से ये डायरेक्ट कपल होता है और इसका जो रेटिंग होता है वो किलोवाट में होता है। और ये है फैन की केसिंग जिसका मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन है IS2062 और थिकनेस है 6 mm। ठीक है, ये जो फैन होता है वो सेंट्रीफ्यूगल टाइप का होता है, जैसे कि इस इम्पेलर में आप देख रहे हैं ये आईडी फैन का इम्पेलर है और ये बैकवर्ड कर्व टाइप का ये इम्पेलर है। ये आईडी फैन का स्पेसिफिकेशन इस तरह से होता है, जैसे कि आईडी फैन का जो फ्लू गैस का जो मीडियम होता है, ठीक है, मीडियम जो होता है आईडी फैन जो मीडियम को हैंडल करता है वो फ्लू गैस होता है और इसका जो स्पेसिफिक है स्पेसिफिक वेट होता है वो किलोग्राम पर मीटर क्यूब में होता है। और इस फ्लू गैस की जो ऑपरेटिंग स्पेसिफिक ऑपरेटिंग
जो ऑपरेटिंग टेम्परेचर होता है, ठीक है, वो होता है 140 डिग्री से 150 डिग्री के बीच में, ठीक है। और इसकी जो स्पेसिफिक ऑपरेटिंग फ्लो कैपेसिटी होती है वो होती है मीटर क्यूब पर सेकेंड में होता है, ठीक है। और इसका जो डिज़ाइन हेड प्रेशर होता है वो MMWC में होता है। MMWC का मतलब होता है कि मिलीमीटर वाटर कॉलम, ठीक है। और ये जो हेड प्रेशर होता है, ये आईडी फैन का जो हेड प्रेशर होता है वो FD फैन और PA फैन के कंपेयर में ये कम होता है।